बारिश करवाने के लिए जब मंत्री मेढक मेढकी की शादी करवाने लग जाए और मीडिया उसके प्रचार प्रसार में जुट जाए तो समझ लेना चाहिए वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। और कहां से कहां पहुंच गए हम, अंधविश्वास इरैशनैलिटी के दौर में न्यूज़ क्लिक की तरफ से खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick up these political हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह प्रकृति को मनाने के लिए बुंदेलखंड जिस तरह से हमेशा सूखा रहता है, सूखे से राहत दिलाने के लिए यहाँ पर हमने इंद्र देवता की आराधना की है, माँ दुर्गा की आराधना की है और यहाँ पर हमने मेंढक और मेंढक की शादी की है। अब चूंकि चर्चा हो ही चुका है, मध्य प्रदेश की मंत्री ललिता यादव के नेतृत्व में अच्छी बारिश की आस में मेंढक मेंढकी का ब्याह कराने का आयोजन के बारे में, मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं। मंत्री के साथ मेंढक मेंढकी की फोटो, उनकी शादी, तमाम रस्मों से अखबार न्यूज चैनल रंगे नजर आ रहे हैं और इस कवरेज का असर हुआ। दो दिन के भीतर ऐसा ही आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र बनारस में हुआ। हर जगह इस तरह का अंधविश्वास और खास तौर से इस तरह के अंधविश्वास को जो राजनीतिक वरदहस्त मिला, उसने इस तरह की खबरों को दूर दूर तक पहुंचाया और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जहां पर सूखा हो वहां पर इस तरह के और आयोजन और अंधविश्वास और अतार्किकता फैलती हुई नजर आए। एक बहुत जरूरी खबर ब्रेक हुई, 2-3 घंटों के लिए चर्चा चली और फिर तमाम प्रमुख वेबसाइट खबरों से वह गायब कर दी गई। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन राय के को आरटीआई से जानकारी हासिल थी इस खबर में, यह था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी के दौरान 8 से 13 नवंबर के बीच 745 करोड़ रुपए जमा हुए। देश भर में सबसे ज्यादा पैसा इसी बैंक में जमा हुआ पुराना नोट। अहमदाबाद जिला सहकारिता बैंक की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ही इसके अध्यक्ष हैं। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन एस रॉय ने यह जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि नोटबंदी के दौरान, ध्यान रहे नोटबंदी जो बहुत मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का माना गया था, उस दौरान महज 5 दिन के भीतर एक बैंक में करीब 750 करोड़ रुपए जमा हुए और इस बैंक के निदेशक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। इस खबर के आने के महज 2-3 घंटे के बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व है। मीडिया पर किसका कब्जा किस हद तक है, इसका जीता जागता उदाहरण यह खबर है। ट्विटर और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब खरी खोटी हुई, पड़ताल हुई, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया को जैसे मानो सांप सूख गया। आप देखिए किस तरह से महज 3 घंटे के अंदर पूरी खबर ही गोलम गोल हो गई कि हम सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, बाकी तमाम जगहों पर जो भी बहस कर लें, लेकिन भाजपा जो चाहती थी इस खबर के जरिए वह उसमें सफल रही। यह खबर लाखों करोड़ों लोगों तक ना पहुंचे, उस पर उस तरह की चर्चा ना हो, अखबार के संपादकीय ना लिखे जाएं, मीडिया का प्राइम टाइम इस पे ना जाए और ना पता चले कि नोटबंदी जो सबसे बड़े घोटाले के तौर पर इस समय सामने आ रहा है उसमें सीधे सीधे अमित शाह और उनकी पूरी टीम की क्या भूमिका थी, इस पर बात ही ना हो, किसी के जहन में ये बात ना जाए कि यह सीधे एक राजनीतिक फैसला था एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। मीडिया को धमकाना, प्रेस्टिट्यूट कहना, यह सब भाजपा के नेताओं की पुरानी आदत रही है।
लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और जो बहुत भाजपा के शक्तिशाली नेता हैं लाल सिंह, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के पत्रकारों को सीधे सीधे धमकी दी, और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, देखिएगा उन्होंने क्या कहा। अब तो मैं कश्मीर के पत्रकारों को कहूंगा कि आप भी लाइन ड्रा करिए अपनी जर्नलिज्म की, कि आपने कैसे रहना है। ऐसे रहना है जैसे वो बशारत के साथ हुआ है, इस तरीके के हालात बनते रहें, इसलिए अपने आप को संभालें और एक लाइन ड्रा करें और ताकि भाईचारा ब्रेक ना हो और भाईचारा बना रहे। उन्होंने सीधे कहा कि अगर आप लाइन पर नहीं आए, अगर आपने अपनी सीमा नहीं समझी, तो याद रखिएगा शुजात बुखारी का जो हुआ हश्र वही आपका हो सकता है। शायद इतनी साफ साफ सीधी सीधी धमकी अभी तक मुख्य धारा के मीडिया को नहीं मिली। इसका मीडिया में विरोध हुआ और जमकर विरोध हुआ। तमाम जो पत्रकार संगठन हैं उन्होंने विरोध किया, एडिटर्स गिल्ड ने विरोध किया, सब ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भाजपा ने नहीं किया और भाजपा का कोई बड़ा नेता लाल सिंह के विरोध में नहीं बोला। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, देखिए कि जब जम्मू कश्मीर सरकार से भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया, तो यही मीडिया किस तरह की कवरेज कर रहा था। वह बता रहा था कि अब आतंक का होगा सफाया, अब आतंक का होगा नरसंहार। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जैसे मानो अभी तक दोनों का गठबंधन कोई और करा रहा था, भाजपा उस सरकार में शामिल नहीं थी, इतने साल तक जो कुछ भी हो रहा था कश्मीर में उसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं था। महबूबा मुफ्ती हैज बीन ओपनली एंड ब्रेजेंटली अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। शी इज ऑन पाकिस्तान साइड। व्हेन आवर सोल्जर्स वर किल्ड शी वांटेड टू ओपन टॉक्स विद पाकिस्तान। The only things she has done in the time she has been chief minister have been in Pakistan's interest. Ladies and gentlemen, the decision to dump the PDP is the best thing in national interest. इस तरह का अंधराष्ट्रवाद जो मीडिया फैला रहा था, सोचिए कि कितनी जल्दी स्थिति बदलती है कि इतना अंधराष्ट्रवाद फैलाने के बाद भी भाजपा के नेता सीधे सीधे धमकी देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कठुआ बलात्कार कांड में जिस तरह से खबरें कुछ आई थीं और उसने सवाल उठाया था भाजपा नेतृत्व पर, वह दोबारा ना हो। आने वाले दिन कश्मीर में पत्रकारों के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही मुश्किल वाले दिन होने वाले हैं। लाल सिंह का यह बयान और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया बयान इस बात का महज एक छोटा सा संकेत है। पूरा का पूरा देश फिर से लिंचिस्तान बन रहा है, फिर से कभी गाय के नाम पर, कभी अफवाह के नाम पर मासूमों की जान ली जा रही है। और दुख की बात यह है कि मीडिया में इन क्रिमिनल्स को जो हत्या कर रहे हैं, और हत्या ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो को सोशल नेटवर्क साइट में डाल रहे हैं, ये लोग, इन लोगों को हम क्या कहते हैं? इन लोगों को हम कहते हैं गौ रक्षक। कितनी शर्म की बात है कि इस तरह की शब्दावली मीडिया इस्तेमाल कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो कानून को खुलेआम अपने हाथ में ले रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और हापुड़ में जो हुआ, जिस तरह से बर्बरता से, निर्दयता, निर्ममता से मारा गया, वो शर्मनाक है। उसकी जितनी तीखी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं निकला। वो लगातार ये बताते जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके पास टाइम है, लेकिन जो निर्दोष को मारा गया उसके बारे में बात करने का, और सिर्फ बात ही नहीं करने का, आप देखेंगे कि उस वीडियो में, उस जो फोटोज आई हैं उसमें दिखाया गया है कि जानवरों से भी बदतर ढंग से उस व्यक्ति को उठा के लोग ले जा रहे हैं, और आगे पुलिस वाला अपनी वर्दी में मार्च कर रहा है जैसे वो एक तमगा ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर बात जरूर हुआ, लेकिन सोचने की बात यह है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर बातचीत करने से क्या बात बन जाएगी?
क्योंकि लाखों करोड़ों तक जो मीडिया पहुंच रहा है उसमें इस पे बात नहीं, इस पे तीखी जो आलोचना होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। और इसकी वजह साफ है कि ये परेशान करने वाले सवाल हैं। जब वीडियो आ जाता है तब बात होती है, लेकिन उन तमाम मामलों में पुलिस करती क्या है, मामला FIR किन के खिलाफ होता है? क्योंकि अभी देखिए हापुड़ वाले मामले में भी ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से FIR को डिजाइन किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, वह दोषियों को बचाने के लिए लिखा गया है। ये सवाल कौन उठाएगा? इंसान से भी एक इंसान का जो रिश्ता होना चाहिए वह समाज में खत्म होता जा रहा है, मानवता पर खतरा है, यह समझना हमारे मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। बाकी और कोई समझे ना समझे, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा तो हम ही हैं। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था बनती जा रही है, जिस तरह से मीडिया में फेक न्यूज और ट्रोल आर्मी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इससे लड़ने वाले कौन हैं, ये हमें सोचना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ चुपते हुए सवालों के साथ और मीडिया पर तीखी पड़ताल के साथ। शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up these emergency.